मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है, कैसे काम करता है और उसका इंटरनल सर्किट कैसा होता है। इस सब की डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर किसी भी डिवाइस को लोअर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से बचाता है। हमारी गवर्नमेंट हमें घरेलू यूज के लिए 230 वोल्ट एसी प्रोवाइड करती है और हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो सब 230 वोल्ट एसी पर काम करते हैं। हमारे घर के पावर बोर्ड में अगर 230 वोल्ट एसी आ रहा है तो हम अपना डिवाइस डायरेक्टली उस बोर्ड को लगा सकते हैं। बट कभी कभार वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, इसके बहुत सारे रीजन है। कभी दो वायर्स आपस में चिपक जाती है, कुछ नेचुरल रीजन भी है, तो इससे क्या होता है वोल्टेज कम ज़्यादा होता है। बट हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सब 230 वोल्ट पर काम करते हैं। उनको बनाया ही ऐसे जाता है कि वो 230 वोल्ट होगा तभी काम करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, कभी हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए हम उनके बीच में स्टेबलाइजर यूज करते हैं। हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की वोल्टेज रेंज अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेबलाइजर 200 वोल्ट से 250 वोल्टेज तक काम करता है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 230 वोल्ट एसी पर काम करते हैं। अगर इनपुट आ रहा है 200 वोल्ट तो उसमें वो 30 वोल्ट ऐड करेंगे और आपके डिवाइस को 230 वोल्ट देंगे। अगर 250 वोल्ट आ रहा है, मतलब ज़्यादा वोल्ट आ रहा है, तो उसमें से वो 20 वोल्टेज कम करेंगे और 230 वोल्ट आपके डिवाइस को देंगे। तो उसकी रेंज होती है, उस रेंज में ही वो वोल्टेज कम और ज़्यादा करते हैं। अगर इनपुट वोल्टेज उस रेंज को क्रॉस कर रहा है, मतलब 200 से भी कम आ रहा है और 250 से भी ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, सर्किट ब्रेक कर देगा। आपके डिवाइस की सेफ्टी के लिए वो बोर्ड का कनेक्शन और आपके टीवी का कनेक्शन में वो सर्किट ब्रेक कर देगा और आपके टीवी को सप्लाई नहीं जाएगा। हमारे घर में जो लोड होता है, मतलब एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अगर वो बहुत कॉस्टली है तो उनके ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हमें वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करना होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, कब कम होगा, कब ज्यादा होगा। कुछ लोग नहीं लगाते क्योंकि ज्यादातर वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होता। गवर्नमेंट उसका ख्याल रखती है कि हमारे घर तक 230 वोल्ट ही आ जाए। कुछ और रीजन की वजह से भी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो सकता है। वोल्टेज फ्लक्चुएट होने से आपका डिवाइस खराब हो सकता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर की पावर रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर होती है। आपका जो लोड है, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, उसको कितना करंट चाहिए, इससे डिसाइड हुआ कि आपको कौन सा किलो वाट एम्पियर का स्टेबलाइजर खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एसी 7 एम्पियर करंट ले रहा है तो आपका वोल्टेज है 230 और एम्पियर मतलब करंट ले रहा है 7, तो इससे क्या होगा, 1.6 किलो वोल्ट एम्पियर का स्टेबलाइजर आपको खरीदना होगा। आपके लोड पर डिपेंड करता है कि वो कितना एम्पियर करंट लेगा, इसके हिसाब से आप अपना स्टेबलाइजर उस लोड के लिए खरीद सकते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर को आपका घर का जो मेन 230 वोल्ट एसी का बोर्ड है उसके और जिसको वोल्टेज प्रोटेक्शन देना है उस डिवाइस के बीच में लगाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा उसका सर्किट कैसे काम करता है। हमने इस सर्किट में 230 वोल्ट एसी इनपुट दिया है और हम 5 वोल्ट आउटपुट डीसी ले रहे हैं, तो हमने यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है। वो जो 5 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है वो हम अपने कंट्रोलर को दे रहे हैं। कंट्रोल में एक कोड लिखा जाता है, कंट्रोलर रिले सर्किट को सिग्नल देता है, रिले सर्किट ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट इनपुट होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए होता है। अगर हमें 20 वोल्ट ऐड करना है तो वो रिले का स्विच चालू होगा, अगर हमें 20 वोल्ट कम करना है तो नीचे वाले रिले का स्विच ऑन करेगा। कंट्रोलर को कितना इनपुट मिल रहा है इससे वो डिसाइड करेगा कि किस रिले को ऑन करना है, कितना वोल्ट ऐड करना है और कितना वोल्ट कम करना है, और वो जो रिले का आउटपुट है वो हम उस लोड को देते हैं। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई और लो हो रहा है तो वो कंट्रोलर उस सर्किट को ब्रेक करेगा और आपका कनेक्शन कट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे काम करता है। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबाइए। अभी मैं यही रुकता हूँ। टेक केयर, बी हैप्पी।